गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज का हमारा टॉपिक है समास। समास, समास शब्द बना किससे? समास शब्द जो है सम उपसर्ग और अर्ध धातु से मिलकर बना है। जो ये समास शब्द है इसमें सम उपसर्ग और अर्ध धातु दोनों मिले हुए हैं, तो समास शब्द सम उपसर्ग और अर्ध धातु से मिलकर बना हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए समास की उत्पत्ति किससे हुई है, तो समास की उत्पत्ति सम उपसर्ग और अर्ध धातु से हुई है। समास का अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप मतलब छोटा रूप, यानी संक्षिप्तीकरण, छोटा रूप करना, उसको छोटा करना। तो समास शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? सम उपसर्ग और अर्ध धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है संक्षेप। अब है समास की परिभाषा। समास की परिभाषा संस्कृत में होती है सम सनम समास से। सम सनम समास अर्थात पदों का संक्षिप्तीकरण समास कहलाता है। पदों का संक्षिप्तीकरण, पदों का छोटा रूप समास कहलाता है। इतना हो गया हमारा। सबसे पहले समास शब्द की, समास शब्द बना किससे? सम उपसर्ग और अर्ध धातु इन दोनों से मिलके समास शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है संक्षेप मतलब छोटा रूप। परिभाषा सम सनम समास है अर्थात पदों का संक्षिप्तीकरण समास कहलाता है। हम इसको ऐसे ले सकते हैं हिंदी में भी कि विभक्ति से रहित दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। विभक्ति से रहित दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। और जब हम पदों को अलग करते हैं, विग्रह करते हैं, तो वह समास विग्रह कहलाता है। पदों को जोड़ना समासिक पद कहलाता है और उन्हें अलग करना समास विग्रह कहलाता है। तो समास विग्रह किसे कहते हैं? जो ये समासिक पद होते हैं, जो उन पदों को हम अलग करते हैं तो वो समास विग्रह कहलाता है और उन्हें जोड़ना समासिक पद कहलाता है। जैसे कि हमने लिखा राजपुरुष, यानी राजा के पुरुष, राजा के सैनिक राजपुरुष, उसको अलग करेंगे हम तो होगा राज्य पुरुष है, राज्य पुरुष है। तो इसे तो कहते हैं समास विग्रह और इसे कहते हैं सामासिक पद। जब पदों को मिलाते हैं तो सामासिक पद कहलाते हैं, समास कहलाता है। और जब उन पदों को अलग कर देते हैं, उसे नीचे विभक्तियों का प्रयोग कर देते हैं, तो समास विग्रह कहलाता है। इतना हो गया हमारा। सबसे पहले समास शब्द बना किसे? सम उपसर्ग अर्ध धातु से मिलकर बना हुआ है। इसका संक्षेप होता है, छोटा रूप होता है। परिभाषा सम सनम समास है अर्थात पदों का संक्षिप्तीकरण समास कहलाता है। विभक्ति से रहित हिंदी बोलते हैं, विभक्ति से रहित पदों के दो या दो से रहित पदों के मेल को हम समास कहते हैं। और जब हम इन पदों को अलग करते विग्रह करते हैं तो समास विग्रह कहलाता है। जैसे दासी पुत्र, दासी का पुत्र, माता पिता, माता और पिता, ठीक है ना। राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजपुरुष, राजा के पुरुष। तो ये हमारे क्या है? समास विग्रह और ये क्या है? सामासिक पद। अब समास के भेद। समास के कुल मिला के पांच भेद होते हैं। सबसे पहला होता है केवल समास, जिसका प्रयोग वेदों में भी किया गया है। दूसरा है अव्ययभाव समास। तीसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के दो भेद है, क्रमधारी समास और द्विगु समास। फोर्थ बहुव्रीहि और फिफ्थ है हमारा द्वंद्व समास। तो पहले आप लोग समास की परिभाषा लिख लीजिए, फिर अभी हम समास के भेदों के नाम लिखवाते हैं। आप इसे लिख लीजिए पहले। लिख लिया बेटा आप लोगों ने? अब लिखिए समास के भेद। संस्कृत में इसके होते हैं पांच भेद। सबसे पहला होता है अव्यय केवल समास, जो हमारे कोर्स में नहीं पढ़े लेकिन हम नाम याद कर लेना, केवल समास, इसका प्रयोग वेदों में हुआ है। दूसरा है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास के दो भेद है, तत्पुरुष समास के दो भेद है। पहला है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास के कितने भेद है? दो भेद है।
दो हुए थे, बंधारी समास और सेकंड है द्विगु समास। ये हमारे तीन समास हो गए। फोर्थ है हमारा बहुव्रीहि समास। और फिफ्थ है द्वंद्व समास। तो इस तरह से समास के संस्कृत में पांच हुए थे। पहला है केवल समास, सेकंड है अव्ययभाव समास, थर्ड है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के भी दो भेद है कर्मधारय समास और द्विगु समास, फोर्थ बहुव्रीहि समास और पांचवा है द्वंद्व समास। केवल समास इसका प्रयोग वेदों में किया गया है, ये समास हमारे कोर्स में नहीं है। अब हमारा अव्ययभाव समास, इस समास में पहला पद अव्यय होता है। इस समास से पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। तत्पुरुष समास इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और जब उसको पदों को अलग करते हैं विग्रह करते हैं तो विभक्तियों का प्रयोग होता है। द्वितीय से लेकर सप्तमी तक की विभक्तियां इसमें लगाई जाती है। तत्पुरुष का भेद है कर्मधारय समास। इस समास में पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष होता है। विशेषण मतलब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। तो पहला पद तो किसी की विशेषता आती है और दूसरा पद विशेष से आता है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। द्विगु समास, इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है। पहला पद क्या आता है? संख्यावाची आता है, गिनती का आता है, त्रिलोकी, अष्टाध्यायी, पंचवटी, ये सब आपके द्विगु समास बनते हैं। बहुव्रीहि समास इसे इसमें तीसरा पद प्रधान होता है, मतलब कि पहला पद और दूसरा पद दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं। पहला पद और दूसरा पद दोनों मिलकर किसी अन्य पद की विशेषता बताते हैं। बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास, इस समास में दो या दो से अधिक पद होते हैं, प्रत्येक पदों में चर का प्रयोग किया जाता है और सभी पद प्रधान होते हैं। सभी पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। तो इस तरह समास समाज के पांच भेद हुए। केवल समास उसका प्रयोग वेदों में हुआ है। अव्ययभाव समास पहला पद अव्यय दूसरा पद संज्ञा आता है। तत्पुरुष समास इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और विग्रह करते समय द्वितीय से लेकर सप्तमी तक की विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। कर्मधारय समास, इस समास में पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष से होता है बेटा। द्विगु समास, इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है दूसरा पद संज्ञा होता है। पंचवटी, त्रिलोकी, अष्टाध्याय, सप्तदिनम, शताब्दी, ये सब इसी के एग्जाम्पल है। बहुव्रीहि समास, इस समास में पहला पद और दूसरा पद दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं। इसे दशानन, सूलपाणी, चक्रधर, चक्रपाणी, ये सब किसमें? बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल है। द्वंद्व समास, इसमें दो या दो से अधिक पद होते हैं, सभी पद प्रधान होते हैं और पदों के मध्य में जय का प्रयोग किया जाता है। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम इन समासों के प्रत्येक भेदों का विस्तार से वर्णन करेंगे। थैंक यू। इसे आपको फेसबुक में करना है और लर्न भी करना है। लिख लीजिए अभी।